खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिंदवाल। अमेरिका के ह्यूस्टन से जब प्रधानमंत्री ने हाउडी मोदी का दिया जवाब तो क्या क्या तस्वीरें निकल कर उभरी हैं, दिखाएंगे आपको हम तीन एंकर्स। नमस्ते भारत, हफ्ते का पहला दिन है, हो जाइए तैयार हर उस अहम खबर को जानने के लिए जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा मिश्रा। नमस्ते भारत, मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक। अमेरिका बोला है मोदी मोदी और साथ ही दिखी है मोदी ट्रंप की जुगलबंदी। अमेरिका के ह्यूस्टन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक मंच पर थे, दोनों नेताओं ने भाषण भी दिया। आपको दिखाएंगे पीएम मोदी ने किस तरह बिना नाम लिए इमरान पर प्रहार किया और किस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सबसे खास तस्वीरें। ये खास तस्वीरें हैं जो ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री बता रही हैं। कभी हाथ मिलाए, कभी गले मिले, कभी साथ चक्कर लगाए, ये है उस केमिस्ट्री की तस्वीरें जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी थी। हो भी क्यों ना, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया पुराने नियम कायदे तोड़कर मिल रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुरानी परंपराएं तोड़कर भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होकर नया इतिहास बनाया। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेने के लिए पहुंचे, दोनों के बीच वही गर्मजोशी दिखाई दी। पीछे ढोल की धुन बज रही थी और इसी धुन पर दोनों कदम मिलाते हुए मंच की तरफ बढ़े। रास्ते में दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े, बच्चे स्वागत के लिए खड़े थे तो यहाँ भी ट्रंप की किसी बात पर मोदी खिलखिलाकर हंसे। आगे बढ़े तो एक बच्चे ने सेल्फी की गुजारिश की जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने मान लिया और पीएम मोदी को अपने पास बुलाकर सेल्फी खिंचवाई। इस दौरान एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखे दिखाई दिए दोनों। मंच पर पीएम मोदी हाथ हिलाते हुए और ट्रंप ताली बजाते हुए पहुंचे। लोगों की भीड़ के सामने मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़ा तो ट्रंप ने भी हाथ को फौरन थाम लिया। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट झलक रही थी। राष्ट्रगान के बाद दोनों ने एक दूसरे की तारीफ के कसीदे पढ़ दिए। We have a very special person with us. He needs no introduction. His name is familiar to every person on the planet. ट्रंप के मोदी के कार्यक्रम में आने को अमेरिका में आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अगले साल यानी 2020 में अमेरिका में चुनाव होंगे और इसमें भारतीय समुदाय के लोग बड़ा रोल निभा सकते हैं। इसकी गूंज भी हाउडी मोदी के कार्यक्रम में नजर आई। वी इन इंडिया हैव कनेक्टेड वेल विद प्रेसिडेंट ट्रंप। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। पीएम मोदी ने जब परिचय खत्म किया तो एक बार फिर दोनों ने हाथ मिलाए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोलने खड़े हुए। उन्होंने भारत और पीएम मोदी के प्रति दोस्ती की बात खुलकर की। In my campaign for president, I promised all of that if we were elected, India would have a true and great friend in the White House. And I can tell you, you have never had a better friend as president than President Donald Trump. That I can tell you. ट्रंप ने भी मोदी की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मन से पीएम मोदी के काम की तारीफ की। And Prime Minister Modi is doing a truly exceptional job for India and for all of the Indian people. It is my immense privilege to be here with him today at this profoundly historic event. दोस्ती किस हद तक है ये आपको अंदाजा लगेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सबके सामने कहा, अगर आप बुलाएंगे तो मैं भारत आने को तैयार हूँ। ये तस्वीरें स्टेडियम में बैठे 50,000 लोगों के लिए ही नहीं थी बल्कि अमेरिका में मौजूद भारतीय मूल के लोगों के लिए थी, अमेरिका और भारत की जनता के लिए थी और साथ ही पाकिस्तान के लिए भी जो अमेरिका से उम्मीदें लगाए बैठा है। पूरा चक्कर लगाने के बाद दोनों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी जताई, साथ ही जाने से पहले एक बार फिर हाथ मिलाए।
वो कहते हैं ना, एक तीर से कई निशान। कल मोदी ने दरअसल अमेरिका से यही किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए प्रहार कड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिनसे देश संभलता नहीं वो 370 पर बात कर रहे हैं। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। तो ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम अहम मुद्दों पर बात की। ह्यूस्टन के मंच से पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाने के फायदे भी गिनाए और ये संदेश दिया कि किस तरह से अनुच्छेद 370 की वजह से पूरे राज्य का नुकसान हो रहा था। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए, ये विषय है आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। वहां की महिलाओं, बच्चों, दलितों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में घंटों तक इस पर चर्चा हुई, जिसका देश और दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। अनुच्छेद 370 का जैसे ही प्रधानमंत्री ने नाम लिया, वहां बैठे हुए लोगों का जो जोश था वो देखने लायक था। अब जब पाकिस्तान का जिक्र चला है तो आतंकवाद की बात भी जरूर होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर ट्रंप ने भी तगड़ा प्रहार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामिक कट्टरवाद का जिक्र किया। We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. दोनों देशों की सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप आगे बोले। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देश, भारत और अमेरिका, ये समझते हैं कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारी सीमा की सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। Both India and the United States also understand that to keep our community safe, we must protect our borders. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that.
देखिए, पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से भारत के साथ खड़े रहने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया किया और भारतीय समुदाय के लोगों से राष्ट्रपति ट्रंप को स्टैंडिंग ओवेशन देने की अपील भी की। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। थैंक यू दोस्तों। मतलब इशारा साफ था, अगले साल से अमेरिका में आम चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है और ट्रंप के लिए स्टैंडिंग ओवेशन की बात प्रधानमंत्री करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया के विजन की भी बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह न्यू इंडिया के लिए उनकी सरकार काम कर रही है। आज हिंदुस्तान किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से ही मुकाबला कर रहा है। आज भारत की सबसे बड़ी नीति है जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। आज भारत का सबसे प्रचलित नारा है संकल्प से सिद्धि, और आज भारत का सबसे बड़ा संकल्प है न्यू इंडिया। भारत आज न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है, और इसमें सबसे खास बात है कि हम किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं। तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मोदी आगे बढ़े। मोदी ने कहा कि आज भारत में जितनी अहमियत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की है, उतनी अहमियत है ईज ऑफ लिविंग की, और उसका रास्ता यह है कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जाए। हमारे लिए जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का महत्व है, उतना ही ईज ऑफ लिविंग का भी। और उसका रास्ता है एम्पावरमेंट। जब देश का सामान्य मानवी एम्पावर होगा तो देश का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा ये भी जान लीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की पहचान है धैर्य, लेकिन आज हम देश के विकास के लिए अधीर हैं, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में तत्पर हैं, और आज भारत में सबसे चर्चित शब्द है विकास, और भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। साथियों, धैर्य हम भारतीयों की पहचान है, लेकिन अब हम अधीर है देश के विकास के लिए। 21वीं सदी में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज भारत का सबसे चर्चित शब्द है विकास। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विविधता और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबी को भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में छिपे सवाल आप कैसे हैं का जवाब भी कुछ अलग ही अंदाज में दिया, जिसमें अमेरिकी धरती पर मोदी ने यह जताने की कोशिश की कि भारत में कितनी विविधता है और उसके बावजूद वहां कितनी एकता है। मोदी ने हिंदी समेत कुल 10 भाषाओं में कहा सब अच्छा है, और आखिर में उसे अंग्रेजी में समझाया कि एवरीथिंग इज फाइन। जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है
उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगा सी, बदाज मजामा छे, अंता बागुंदी, एल्ला चिन्ना गिरे, एल्लाम सौकियम, सर्वच्छान चल आए। सब खूब भालो, सबु भल्ला अच्छी। साथियों, हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। प्रधानमंत्री मोदी के इस 10 भाषाओं वाले जवाब से विदेशी धरती पर क्या देश की मिट्टी की खुशबू बिखर गई। पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय के लोगों को अपनी चर्चित कविता की दो पंक्तियां सुनाई। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। देखिए, पीएम मोदी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भाषण देने का न्योता दे रहे थे, तब ट्रंप ठीक पीएम मोदी के पीछे खड़े थे और पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ पे खूब कसीदे भी पढ़े। पीएम मोदी ने भारत में चर्चित नारे की तर्ज पर ह्यूस्टन के इस मंच से कहा, आपकी बार ट्रंप सरकार। आई एडमायर हिम फॉर समथिंग मोर, ए सेंस ऑफ लीडरशिप, ए पैशन फॉर अमेरिका, ए कंसर्न फॉर एवरी अमेरिकन, ए बिलीफ इन अमेरिकन फ्यूचर एंड अ स्ट्रांग रिजॉल्व टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एंड ही हैज ऑलरेडी मेड द अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग अगेन। ही हैज अचीव्ड मच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, ab ki baar Trump sarkar, to manch se Pradhanmantri Modi ne Trump card bhi khela। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम के मंच से पीएम ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया। मोदी ने कहा वो चाहते हैं कि ट्रंप पूरे परिवार के साथ भारत आएं और स्वागत का मौका लें। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं चाहूंगा कि आप सब परिवार भारत आएं, हम अपना और आप हमें अपना स्वागत करने का अवसर दें। हम दोनों की ये दोस्ती
भारत अमेरिका के शेयर्ड ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी।